subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर टू रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो देखते स्टार्ट करता हूँ. मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 46 एनसीईआरटी. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पेज नंबर 46 एनसीईआरटी से है. और क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहते हैं द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना. यानी कि एक रिलेशन है. अब ये फंक्शन नहीं है बेटा, रिलेशन है. कहता है एक्स स्क्वायर, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो और उससे बड़ी हो बट तीन और उससे छोटी हो तब. और साथ ही में तीन एक्स, लेकिन कब, जब तीन से बड़ी और बराबर एक्स की वैल्यू हो बट दस और उससे छोटी हो. ओके. फिर कहता है द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू. एक रिलेशन जी ऑफ एक्स भी है, उसको भी देखते हैं क्या डिफाइन हुआ है. कहता है कि एक्स स्क्वायर, लेकिन कब, जब जीरो और दो के बीच में और इंक्लूड है एक्स की वैल्यू, बाकी तीन एक्स. बट कब, जब दो से बड़ी और बराबर एक्स की वैल्यू बट दस से छोटी. ठीक है, तो कहता है कि शो दैट एफ इज अ फंक्शन. देखो एफ को मुझे क्या बनाना है, इज अ फंक्शन. ठीक है, जी इज नॉट अ फंक्शन. और जी इज नॉट अ फंक्शन. जी फंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन एफ फंक्शन होना चाहिए. तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. देखो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि एक तो जैसे कि हम इसकी मैपिंग करते हैं, लेट सपोज, तो कभी भी एक पे दो वैल्यू मिलता, पहली बात है ना, ये बताया था. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री भी नहीं होता है ना, कोई भी एलिमेंट फ्री भी नहीं होता. तो बस यही चीज़ का ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अच्छे से और देखते हैं. तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एफ को फंक्शन बनाना है. तो एफ को फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब ये देखो कि बेटा जीरो से लेकर के मैं तीन तक कोई भी वैल्यू डालता हूँ. जैसे कि लेट सपोज कि एफ जीरो डाली मैंने, है ना, जीरो डाली तो जीरो ही मिल गई मेरे को. भाई देखो ना, ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँ, ये एक्स ये वाई ऐसे लिखता हूँ ना, तो एक्स की जगह क्या है जीरो और वाई की जगह क्या है एफ जीरो. एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है ना. ठीक है, जीरो पे जीरो मिल गई. मैं ये पुट करके आपको दिखा रहा हूँ. लेट सपोज वन रखी, ठीक है, वन पे क्या मिली बेटा मेरे को, वन पे वन ही मिल जाएगी. सिमिलरली मैंने टू रखी, टू पे कितनी मिलेगी, टू पे फोर मिल जाएगी. थ्री रखी, थ्री पे नाइन मिल जाएगी. तो कुल मिला के हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. ओके अच्छा एक चीज़ और, मैं इसकी डोमेन और रेंज के बारे में शायद इसमें लिखा नहीं है या फिर मैंने पढ़ा नहीं था. रिलेशन तो डेट एफ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. तो ये भी नहीं लिखा है इसके, यानी कि ये रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड हो जाएगा. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके. तो मतलब अभी तक तो क्लियर हो गया होगा. अब मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि यार यहाँ पे भी ये इधर से इधर तक डिफाइंड होगा, बिल्कुल डिफाइंड होगा, बट मेरे को किस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कहीं कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जिसके दो आंसर मिल जाए मेरे को, है ना. बस मेरे को इसी का तो ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये जो रिलेशन है वो वहाँ पे फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा. तो इस बात का ध्यान रखना. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो डेफिनेशन थी फंक्शन की वो थी तीन और दस से लेकर के, है ना, तीन से लेकर के दस तक पे. बट मैंने देखा कि तीन पे तो इसकी डेफिनेशन एक्स स्क्वायर भी है और तीन पे ही इसकी डेफिनेशन थ्री एक्स भी है. तो इसका मतलब ये हर वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि जब मैं एक्स की वैल्यू तीन ले रहा हूँ तब, क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू तीन ले रहा था तो यहाँ पे तो नौ आया था, चेक कर लो ऊपर वाले केस में. लेकिन नीचे वाले केस में क्या आया, नीचे वाले केस में तीन इंटू तीन भाई कितना आया, यहाँ पे भी नौ आया. तो इसका मतलब सेम ही मिलाना मेरे को, अगर मेरे को यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाती, यानी कि यहाँ पे तीन पे यहाँ पे अलग अलग दो वैल्यू मिल जाती तो ये फंक्शन नहीं बनता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे ही मेरे को एक ही वैल्यू मिल रही जो कि है नौ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन है, है ना बच्चों. क्योंकि देखो ना, आप बात को समझने की कोशिश करो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन कब नहीं होता है, एक तो ये कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो फ्री जाती है, तो इसका मतलब मेरी हर एक वैल्यू पे मेरे को आंसर मिल रहा है, तो कोई भी वैल्यू फ्री तो नहीं जाएगी डेफिनेटली. दूसरी बात ये कि किसी एक वैल्यू पे दो आंसर ना मिल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है.
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एफ जो है वो फंक्शन है। अब जी की बात करूँगा, जी की बात करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर जी की बात करेंगे हम। अब देखो जी के लिए भी मैंने देखा कि डेफिनेटली ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है और ये भी यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 भी है और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हो सकता है 2 पे ये अलग आंसर दे रहा हो और ये अलग आंसर दे रहा हो, और अगर ऐसा हुआ अलग अलग आंसर मिले मेरे को 2 पे तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन नहीं है, और अगर सेम ही आंसर मिला तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं 2 पे चेक करते हैं, एट एक्स की वैल्यू 2 पे चेक कर रहा हूँ। पहले ऊपर चेक कर रहा हूँ, जब मैंने ऊपर चेक किया तो जी ऑफ 2 भैया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिला यहाँ से, तो याद देखिए 2.4 मिला। अब नीचे वाले के लिए जी ऑफ 2 तो 3 × 2 तो यहाँ पे मेरे को 6 मिला यानी कि 2.6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पे दो वैल्यू मेरे को मिल गई है, एक तो 2 पे 4 मिल गई और एक 2 पे 6 मिल गई। तो बेटा ये तो वही वाली बात होगी, तो इसका मतलब जी इज़ नॉट अ फंक्शन, जी इज़ नॉट अ फंक्शन। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने इसको क्या कहते हैं हिंट दी थी आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ना कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर। आगे कहता है कि फाइंड, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। लेट मी चेक, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ, ये चीज़ फाइंड हो जाएगी इजीली अगर मेरे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अवेलेबल हो तो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने x की जगह 1.1 पुट किया है, तो फंक्शन में जब हम x की जगह 1.1 पुट करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1.21 आएगा इसका, ठीक है। सिमिलरली f1 निकालते हैं, तो जब हमने f1 निकाला तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आया, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, नाउ देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1.21, या पहले चलो लिख देता हूँ उसके बाद एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटे, इसकी वैल्यू थी 1.21 माइनस 1 अपॉन, देखो इसको डायरेक्टली माइनस कर दो तो 0.1 लिख दो, और इसको माइनस करके आएगा 0.21, ये है 0.1। अच्छा इसके आगे जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है। अब बचा क्या है वो देख लेते हैं, तो बचा है 21 अपॉन में 10, है ना, और जीरो टेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो फाइनली आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.1, ठीक है, और बहुत ईजी था और वन मार्कर के लायक भी, तो आ भी सकता है एग्जाम में, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर सेम है 46, और कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दैट्स इट, बस यही है, ठीक है बच्चों। तो आपसे इसमें बोला गया था कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो डोमेन किसे कहते हैं, सबसे पहले डोमेन x की उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होता है, सिंपल सी बात है। अब ये फंक्शन हर एक वैल्यू पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट उस वैल्यू को छोड़ के जिस पे डिनोमिनेटर आपका जीरो आ जाए, है ना, अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी डोमेन तो सारी ही रियल वैल्यू है बट उन वैल्यूज़ को छोड़ के जिस पे ये फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो आ रहा हो, है ना। तो हम बस इसका वही वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो पहले हम क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो न्यूमिनेटर के फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, और अगर करने भी हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखो प्लस 2 लाना है और 1 से लाना है प्लस 1 से, तो 1 × 1 से 2 आ जाएगा, तो यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं इसके लिए हम, है ना। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 8 लाना है, इसको प्लस के 12 को ब्रेक कर दें तो 6 और 2 से आ जाएगा, 6 × 12 दोनों में माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 6 और x माइनस 2,
तो बेटा जाहिर सी बात है अगर x की वैल्यू 6 आ गई, आप चेक कर लो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बनते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि भैया 6 और 2 को छोड़ के, ये इन दोनों को छोड़ के ये फंक्शन हर वैल्यू पर डिफाइंड है, है ना। तो मैं लिखूँगा देयरफोर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड कब जब x की वैल्यू 6,2 है। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल टू 6 and 2, है ना। तो इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो देयरफोर द डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एवरी आर एक्सेप्ट 2,6, इसको छोड़ के सारी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू जो है इसकी डोमेन है, लेकिन 2 और 6 को छोड़ के, ठीक है बच्चों। तो मैं पहले एक्स्ट्रा पोर्शन इसका रफ कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा, है ना। तो बस यहाँ पे आप देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में मांगा है आपसे कि इसकी डोमेन और रेंज दोनों आपने बतानी है ना। तो डोमेन और रेंज की बात करेंगे इसकी। देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड होता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तब, है ना। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा जब इसके अंदर की वैल्यू यानी कि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, इफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब ये डिफाइंड होगा, है ना। तो बच्चों ध्यान देना, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो इसकी डोमेन है वो क्या है बेटा। डोमेन क्या होता है, बेसिकली x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 1 और उससे बड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, क्योंकि 1 इंक्लूड है तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना। तो आई एम श्योर ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं 4 रेंज। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप जानते हैं कि रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन को पुट करते हैं y के ऊपर, है ना, पुट करते हैं y के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने पुट किया y के इक्वल फंक्शन की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट x माइनस वन इक्वल टू y। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x माइनस वन इक्वल टू y स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1, भाई यही होगा। तो अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई। अब रेंज बेसिकली क्या होती है, रेंज मैंने आपको बता रखी है कि वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं, क्योंकि वाई तो फंक्शन होता है और फंक्शन की वैल्यू को ही तो रेंज कहते हैं, है ना, ओके। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो एक्स था वो क्या था, 1 और उससे बड़ा था। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो वाई स्क्वायर प्लस 1 है। सो देयरफॉर वी कैन से कि वाई स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। भाई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू ये है, तो x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, भाई ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0 जाएगा, ओके। अब ध्यान देंगे तो y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें पता चल गई है कि 0 या फिर उससे बड़ी। और वैसे भी देखो ना यार, फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती थी, है ना। तो हैंस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर के इन्फिनिटी,
तो ये आपका आंसर हो गया, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आई एम श्योर आपको समझ में भी आया होगा, आप इसका नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। यानी जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और आपसे इसकी डोमेन और रेंज दोनों मांगी है। यार देखो सुनो मेरी बात मतलब डोमेन फिर से वही वाली बात आती है कि डोमेन कहते किसे हैं, तो यार डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, सिंपल सी बात है। और कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो रहा हो, ये सारी वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है, और क्योंकि रियल फंक्शन है तो इसका मतलब सारी रियल वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है। और अगर ये सारी रियल वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है तो मैं इसकी डोमेन को क्या कह सकता हूँ, मैं इसकी डोमेन को एवरी कह सकता हूँ। तो डोमेन जो होगी इसकी एवरी रियल वैल्यू। और अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो रेंज रेंज मतलब क्या होता है कि जब इसमें पुट करने पर जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लाइक वाई, तो वाई को रेंज कहते हैं, तो एफ ऑफ एक्स को रेंज कहते हैं, कहना मतलब। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो रेंज कहलाएगा। अब आप खुद बताओ, क्योंकि ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है तो रेंज ये कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, है ना, ये रेंज कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसीलिए इसकी रेंज को मैं क्या आर प्लस नहीं कह सकता, आर पॉजिटिव बिल्कुल कह सकता हूँ। ये था शॉर्ट में जो मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ करके ले लेता हूँ, 5 लिखा हुआ है इस पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि लेट एफ इज इक्वल टू, यानी कि जो फंक्शन है वो कुछ कार्टिजन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है कि एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाय और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ना वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। और आगे बोला है कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स। ओके बस ये फंक्शन है आपका। अब आगे कहता है कि बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर, यानी कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो रहा है आर इनटू आर, यानी कि आर टेंड्स टू आर। ओके अब कहता है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, आपसे सिर्फ और सिर्फ इसकी रेंज मांगी गई है, डोमेन तो बोली भी नहीं गई है, रेंज मांगी। और वैसे भी इसकी डोमेन की अगर मैं बात करता तो खैर चलो छोड़ो, बात भी कहीं क्यों ही करनी है। डोमेन बेसिकली क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होता है। अब अगर मैं कार्टिजन प्रोडक्ट की बात करूँ तो आप ध्यान देना कुछ इस फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब ये वाई है, जो सेकेंड एंट्री होती है वो वाई होती है, और वाई क्या होता है बेसिकली एफ ऑफ एक्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये एफ ऑफ एक्स है, कह सकता हूँ। सो देयर फोर वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कह सकता हूँ ना ये बात? जी बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल कह सकते हैं। ओके अब बात करते हैं रेंज की। जब हम रेंज की बात करते हैं तो फॉर रेंज, और रेंज के केस में हम करते क्या है, रेंज के केस में हम करते हैं कि पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐड आती है जो कि कुछ एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये है। ओके यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर आगे देखूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। ओके अब थोड़ा सा क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई, सो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो वन माइनस वाई इक्वल टू वाई, चेक कर लो भाई वन माइनस वाई तो आएगा। ओके तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, वाई अपॉन में वन माइनस वाई आएगा, तो x इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट y अपॉन में वन माइनस वाई, ये आएगा, है ना। ओके तो यहां तक तो हो गई क्लियर बात है। अब क्योंकि फंक्शन अगर डिफाइंड होना है, अब आप खुद सोचो ना, क्योंकि y की वैल्यू ही तो इसकी रेंज होगी, और ये अगर फंक्शन डिफाइंड होना है तो कब डिफाइंड हो रहा होगा, जब कि जो अंदर का पोर्शन है, ये बात बताई थी मैंने, ये क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जीरो और उससे बड़ा होना चाहिए तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सिंस द फंक्शन
इज डिफाइंड कब व्हेन y अपॉन में 1 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। फंक्शन जब ही डिफाइंड होगा बेटा जब ये वाली सिचुएशन आएगी। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दो बात बनती है, एक तो ये कि y अपॉन में 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, है ना, या फिर इस वाले में इक्वल टू ले लेते चलो। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि y अपॉन में 1 माइनस y इज ग्रेटर देन, भाई एक में 0 के बराबर, एक में 0 से बड़ा ले लिया मैंने। अब 0 के बराबर कब हो सकता है, आप खुद सोचो कि ये वाली वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब इस वाले y की वैल्यू 0 आ जाए तभी तो हो सकती है, एक ही केस है। तो यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्ट ही y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि मेरे को रेंज का कुछ पार्ट तो पता चल गया कि हाँ भाई एक पार्ट ये हो सकता था। अब दूसरा पार्ट पता लगाने के लिए मैंने इसमें काम किया। अब देखो ये क्या है बेटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होता है भाई, ये फ्रैक्शन है यानी कि p अपॉन q की फॉर्म है, और ये दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो तब पॉजिटिव होंगे, या फिर ये दोनों ही नेगेटिव वैल्यू हो तो, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है तो भी पॉजिटिव होंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव कब होते हैं। तो इसके लिए दो केस बन जाते हैं, क्या केस, एक तो ये कि अगर ये मेरे को पॉजिटिव लेना है, देखो एक तो ये कि भाई अगर मेरे को ये पॉजिटिव लेना है तो वाई ग्रेटर देन जीरो और वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक तो ये केस, ये थोड़ा सा हल्का सा और स्पेस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या तो ये दोनों ही जीरो से बड़े होंगे यानी कि पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव, और या फिर y लेस देन जीरो और वन माइनस वाई ऑल्सो लेस देन जीरो, या तो ये वाला केस में, है ना, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो ये पॉजिटिव आएंगे। ओके, अब देखो y की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है जीरो से बड़ी, तो ये तो ऐसी रहा, है ना, इसको मैं यूँ ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा और अंदर ले लेता हूँ, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस वन, है ना, तो y इज ग्रेटर देन जीरो, और भाई अब आपको पता है माइनस से इंटू कराऊँ तो ये साइन पलट जाता है तो y लेस देन वन हो जाएगा। तो यानी कि एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया कि भैया y की वैल्यू जीरो से बड़ी लेकिन वन से छोटी है, है ना, एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास। अब दूसरा यहाँ से देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा स्पेस मिलता है, तो y लेस देन जीरो था और इसकी मैं बात करूँ तो माइनस y लेस देन माइनस वन। अब y लेस देन जीरो और माइनस से इंटू कराऊँ तो y ग्रेटर देन वन, भाई क्योंकि आपको पता है साइन पलट जाता है ना, अभी तो पता है, तो ये कह रहा है कि जीरो से छोटा और वन से बड़ा, यार जीरो से छोटा और वन से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ना नंबर, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, है ना, यानी कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इन दोनों पे, तो इन दोनों का ओवरऑल आंसर क्या हो सकता है, है ना, ओवरऑल आंसर, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हैंस वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, देखो वाई क्योंकि जीरो से ही कह रहा है बड़ा और जीरो के बराबर भी कह रहा है, तो इसका मतलब जीरो के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वन से छोटा होगा, है ना, तो ये वाली बात है। तो देयरफॉर रेंज, क्योंकि वाई तो रेंज है ना, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन क्या होगा बेटा, जीरो से लेकर के वन, ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, कह रहा ना जीरो से बड़ा लेकिन वन से छोटा, और आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसका ना आंसर जरूर देखना चाहूँगा पीछे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मैं एक बार एन सी आर टी में जरा पीछे आंसर टाइप कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सो 2.2, 2.3, हाँ ये रही मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। तो एनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज रियल नंबर सच दैट, हाँ रेंज के लिए, ठीक है, यही, ओके, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि लेट एफ कॉमा जी कॉलन आर टेंस टू आर, यानी कि एफ और जी दोनों के दोनों ही क्या है, आर टेंस टू आर है, एफ बी और जी बी, है ना, ओके ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और आपको ये भी दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन है,
और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, टू एक्स माइनस थ्री है ना, टू एक्स माइनस थ्री, ओके ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री। अब कह रहे हैं कि फाइंड नंबर वन, आपने फाइंड करना है इसमें एफ प्लस जी, ठीक है क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है एफ माइनस जी क्वेश्चन मार्क, तीसरा है एफ अपॉन जी क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, बस ये तीन चीज़ें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इनफैक्ट इसके हमने इस तरीके के एग्जांपल भी करे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो सॉल्यूशन पार्ट एफ प्लस जी की बात करूँगा, तो सिंपली क्योंकि ये रियल फंक्शन है और r टाइम्स टू r है दोनों का ही, तो मैं दोनों को इजीली ऐड कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो f की वैल्यू कितनी है x प्लस वन और g की वैल्यू कितनी है 2x माइनस थ्री, तो ऐड हो गया बेटा f प्लस जी। अब आंसर कितना आया 2x और 1x मिलती है 3x और यहाँ पे माइनस टू चेक कर लें, तो ये पहले वाले का आंसर। अब आगे क्या है f माइनस जी, तो f की वैल्यू x प्लस वन माइनस g की वैल्यू 2x, भाई देखो ना साइन बदल जाएंगे, 2x माइनस का हो गया और 3 प्लस का हो गया, तो भैया 2x में से एक x गया तो बचा माइनस का x और यहाँ पे हो गया 4, ओके। अब अगला है f अपॉन g, तो f की वैल्यू कितनी है बेटा f f f f f x प्लस वन और g की वैल्यू 2x माइनस 3, बट इसके लिए कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर किससे जीरो हो रहा है वो चीज़ निकाल लो आप, तीन, तो x इक्वल टू तीन बाय दो, तीन बाय दो से जीरो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर x इज नॉट इक्वल टू टू थ्री बाय टू, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू थ्री बाय टू नहीं हो सकती यहाँ से, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा आज की हम क्लास भी ओवर कर रहे हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे इसके, और बाकी आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।